चलो प्लीज थैंक यू सर शुरू सर, करो। स्टार्ट करते हैं। आ रहा है सर स्लाइड? जी जी तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम जीवन छेत्री है और आज आप सभी लोगों को न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन में स्वागत करता हूं। इस पैनल में आज जितने भी लोग हैं, क्योंकि दोस्तों आज ये एक ऐसी ट्रेनिंग है दोस्तों, जिस ट्रेनिंग की वजह से आज जितने भी लोग आज इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी बेसिक ट्रेनिंग को फॉलो करने के बाद में आज लोगों ने इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम किया और इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता को हासिल करके दिखाया है। तो आप सभी लोगों में इस न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन में स्वागत करता हूं और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों इस बिजनेस में मैं जब आया था दोस्तों, मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में और उसी दौरान मुझे ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। और जब पहली बार मुझे ये बिजनेस प्लान मैंने देखा था तो दोस्तों बिजनेस का मुझे बी तक पता नहीं था। मुझे पता नहीं था कैसे बिजनेस होता है, कैसे सेल्स होता है, कैसे नेटवर्क बनाया जाता है, कैसे टीम को लीड किया जाता है, स्टेज में कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। मुझे ये सारी चीजें कुछ भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज कहते हुए बहुत ही प्राउड फील होता है, आज ये सारी चीजें अगर मैंने सीखा है तो इसी ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने सीखा है। आज जितने भी लोग मुझे जानते हैं और मेरी तारीफ करते हैं कि जीवन छेत्री ये है, जीवन छेत्री अच्छा बोलता है, अच्छा लीडर है, चाहे जो भी बोलते हैं, उसका सारा का सारा श्रेय इसी ट्रेनिंग को जाता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जीवन छेत्री को कुछ भी नहीं आता था जब जीवन छेत्री इस बिजनेस में आया था, लेकिन आज जो कुछ भी हो पा रहा है आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से हो पा रहा है। और मुझे पूरा यकीन है आज इस पैनल के अंदर हमारे जैसे ढेर सारे लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि उनसे नहीं हो पाएगा, उनको वो सारी चीजें नहीं आती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस बिजनेस से, इस ट्रेनिंग से सारी चीजें सीख के यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो आपके पास में भी मौका है। माय डियर फ्रेंड्स, सीखने की कोशिश कीजिए, पहले लर्न कीजिए फिर अर्न कीजिए। तो मैं आगे स्लाइड को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अनुशासन का व्यवसाय, ये बिजनेस पूरा का पूरा डिसिप्लिन का है। हर जगह पे डिसिप्लिन एक बहुत ही बड़ा मायने रखता है माय डियर फ्रेंड्स। और जहां पे डिसिप्लिन होता है उसी जगह का नाम हर जगह पे होता है। तो इस बिजनेस पे कुछ चीजें, जिस चीज को हमने और आपने फॉलो करना है, सबसे पहले दोस्तों कभी भी बिजनेस को गिर पकड़ कर प्रमोट ना करें। अक्सर दोस्तों बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो लोग इस बिजनेस को प्रमोट तो करते हैं, लेकिन इस तरीके से प्रमोट करते हैं जैसे भीख मांग रहे। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को कभी भी गिर पकड़ कर प्रमोट नहीं करना है। इसके आगे मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। गलत इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत गलत कमिटमेंट करते हैं, लालच में आ जाते हैं और लोगों को बोलते हैं, अरे आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं काम करूंगा, आपके पास में पैसा आएगा। दोस्तों ये कहना सरासर गलत है। गलत इसीलिए है क्योंकि दोस्तों कभी भी ये नहीं कहना है। भले ही हो सकता है सामने वाला आपके साथ ना जुड़े, लेकिन उनके साथ में सीधी बातें करनी है। उनको ये बताना है कि अगर आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, हम आपके साथ में हैं, ये चीज उसको बताना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, बिना काम के आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 कमा सकते हैं, लेकिन बिना काम के आप लाखों नहीं कमा सकते। तीसरा देखिए, झूठे वादे ना करें। बहुत सारे लोग झूठे कमिटमेंट भी कर देते हैं, आपके दो मैं बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन दोस्तों किसी के दो बनाने से कोई आदमी डायमंड नहीं बनता। तो झूठे वादे नहीं करना है। कुछ जानकारी का छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। कोई भी जानकारी को नहीं छिपाना है दोस्तों, बिजनेस एकदम ट्रांसपेरेंट है। किसी निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर ना थोपे, यानी कि दोस्तों इस बिजनेस में जितने भी लोग आते हैं सारे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं, वो बिजनेस के मालिक खुद ही होते हैं। तो किसी के ऊपर अपना जो डिसीजन है वो नहीं थोपना है, आपने किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करना है। आगे देखते, किसी की ज्वाइनिंग फीस ना दे, ज्वाइनिंग फीस भी नहीं देना है, क्योंकि अगर सामने वाले को बिजनेस करना है तो वो अपनी फीस खुद देगा। सीधी सीधी बातें करें। अक्सर लोग दोस्तों बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बातें करते हैं, तो दोस्तों बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है, जिससे आपका समय भी बचेगा
और सामने वाले को आपकी बातें समझ में भी आएगी। लास्ट में आप देखिए, ज्यादा जरूरत ना दिखाए। अक्सर हम लोगों को इतना ज्यादा जरूरत दिखा देते हैं कि उनको ऐसा लगता है मेरे बिना तो इसका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो सारे लोगों को, आपकी पूरी की पूरी टीम है, सारे लोगों को एक इक्वल रूप से लोगों को देखना है और किसी को भी ज्यादा जरूरत नहीं दिखाना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सक्सेस पाथ। ये एक ऐसा रास्ता है माय डियर फ्रेंड्स, जिस रास्ते पे चल के हजारों लोगों ने आज शिखर तक पहुंचे हैं, हजारों लोगों ने सफलता हासिल किया है। तो ये रास्ता बनाया गया है और हमको और आपको भी इसी रास्ते पे अगर हम और आप चलेंगे तो हम और आप भी डेफिनेटली बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तो दोस्तों, पाथ को, रास्ते को इंग्लिश में कहा जाता है पाथ, और पी फोर सबसे पहला है पेशेंस। इस बिजनेस में दोस्तों, अगर हमने बड़ा काम करना है तो हमने धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य भी एक ऐसा धैर्य कि इस बिजनेस में दोस्तों घर बैठ के धैर्य नहीं रखना है। इस बिजनेस में अभी तो कोरोना काल चल रहा है, बाहर नहीं जा सकते, घर ही बैठना है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, काम करते हुए धैर्य रखना है। अक्सर इस बिजनेस में दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जो लोग काम करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो घर बैठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग काम करते हैं और उनको बहुत रिजल्ट मिलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार काम करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता लेकिन फिर भी वो लगातार 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 कोशिश करते रहते, प्रयास करते रहते, कोशिश करते रहते। दोस्तों, मुझे उन लोगों को पता नहीं है जो रिजल्ट के लिए काम करते हैं, रिजल्ट मिलने पर उनको काम करने का हौसला आता है। वो लोग इस बिजनेस में सफल होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे डेफिनेटली ये चीज पता है कि जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, चाहे उसे रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, वो लगातार काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, ऐसे लोग ही दोस्तों इस बिजनेस में सफल होते हैं। तो इस बिजनेस का पहला पड़ाव, अगर आपको सफल होना है, सबसे पहले धैर्य रखना पड़ेगा। भले ही आपका काम चले या ना चले, आपको लगातार काम करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एटीट्यूड। इस बिजनेस में एटीट्यूड का बहुत बड़ा खेल है माय डियर फ्रेंड्स। एटीट्यूड यानी नजरिया, आपका नजरिया कैसा है। एक बार क्या हुआ दोस्तों, दो दोस्त थे, दोनों दोस्त एक होटल में जॉब किया करते थे, और उस होटल से ठीक 2 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा 7-स्टार होटल खुला, और उसी रोड से वो अपने घर की ओर जाते थे। उनका जो घर था और उनका जो काम करने वाला जो होटल था, उस होटल के बीचों बीच वो 7-स्टार होटल पड़ता था। दोनों दोस्त अक्सर उस रास्ते से गुजरते थे और उस होटल में दोनों दोस्त नजर डालते थे। एक दोस्त हमेशा कहता था, काश इस होटल में मुझे वेटर की नौकरी मिल जाए, अगर वेटर की नौकरी मिल जाए मेरी जिंदगी बन जाएगी। और उसी जगह पे दूसरा दोस्त उस होटल को देख के बोलता था, काश एक दिन इस होटल पे मुझे खाना खाने का मौका मिले। आप नजरिए को आप देख सकते दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी परिस्थिति कैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका अकाउंट बैलेंस कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपके पास में क्या है क्या नहीं है, फर्क इस बात से पड़ता है आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर आपका एटीट्यूड दमदार है, अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो दोस्तों आप इस दुनिया में कोई भी चीज आप अचीव कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, लोगों का एटीट्यूड तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कब तक, जब तक उनका काम अच्छा चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जब लोगों के पास में चैलेंजेस आते हैं, जब दिक्कतें आती है, जब प्रॉब्लम आती है, तो वो पूरे के पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। इस एटीट्यूड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। चाहे कोई भी परिस्थिति, विषम से विषम परिस्थिति में भी अगर कोई आदमी पॉजिटिव सोच सकता है, तो उसका हमेशा दोस्तों सफलता उसकी कदम चूमती है। और मुझे पक्का विश्वास है, इस पैनल में जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव है, और ये सारे के सारे लोग विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने आप को खड़ा करके अपने आप को सफल बनाने के लिए काम कर सकते हैं और अपना एटीट्यूड मजबूत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों, टी फॉर टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी यानी कि दोस्तों सीखना और सिखाना। ये बिजनेस दोस्तों पूरा का पूरा सीखने का है। अगर आप इस बिजनेस में आके अगर सीखना शुरू करते हैं, तो दोस्तों सफलता आपकी कदम चूमेगी। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, उनके पास में बहुत सारी डिग्रियां होती है, बहुत सारी डिप्लोमा होती है, और वो सोचते हैं मैं इतनी सारी चीजें जानता हूँ, मुझे सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, चाहे आपके पास में कोई भी डिग्री हो, लेकिन अगर इस बिजनेस में आके अगर आप सीखते नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस में यकीन मानिए आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इस बिजनेस में वही लोग सफल होंगे
जिनके अंदर सीखने की ललक होगी, और वो भी दोस्तों तब तक हमेशा पूरी जिंदगी सीखते रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस पूरा का पूरा सीखने का है। लोग इस बिजनेस में आते हैं और कमाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आप तब तक नहीं कमा सकते जब तक आप सीख नहीं रहे। तो पहले सीखना है और बाद में कमाना है। तो दोस्तों जैसे आप इस बिजनेस में आते हैं, आप नए होते हैं, सबसे पहले आपने सिस्टम से और एक्टिव अपलाइन से आपने सीखना है, और सीखने के बाद में फिजिबिलिटी, यानी सीखने के बाद में दोस्तों जो भी काम आपने सीखा है उसको केवल सीख के घर नहीं बैठना है, जो भी आपने सीखा है उसे फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद में जरूर माय डियर फ्रेंड्स, आप सीखेंगे और उसे करेंगे तो आपका काम जरूर होगा, और जो भी काम होगा आपकी टीम बनेगी। तो आपकी जैसे दो की टीम बनी, अपनी टीम को आप बताइए मैंने ये काम किया, तब जाके मेरी दो की टीम बनी। और जब आप अपने लोगों को सिखाएंगे, सीखना करना और सिखाना, जब आप इस चीज को लगातार करेंगे दोस्तों, आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। लगातार सीखते रहना है, सीखना कभी बंद नहीं होता, और लगातार काम करते रहना है, काम करना कभी बंद नहीं करना है, और लगातार लोगों को सिखाते रहना है, आप इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और आखिर में दोस्तों ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये दोस्तों एक बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों, ईमानदारी। एक कहा जाता है दोस्तों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों इस बिजनेस के दौरान दोस्तों मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट किए, जिन्होंने कहा मरेंगे तो सेफ शॉप के साथ में, जिएंगे तो सेफ शॉप के साथ में, लेकिन दोस्तों उनको चंद ऑफर मिला दूसरी कंपनी के माध्यम से, और आज वो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं दोस्तों लोग अपने ईमान कैसे बेच देते हैं, पता नहीं क्या होता है लोगों के साथ में दोस्तों, लेकिन ये बिजनेस पूरा का पूरा ईमानदारी का। आप जो बोलते हैं उस बात पर खड़े उतरने का ये बिजनेस है, चाहे परिस्थिति क्या हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमेशा ईमानदार रहने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज में ईमानदार रहना है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो कमिटमेंट के बारे में हो, चाहे वो काम के बारे में हो, हमेशा ईमानदार रहिए। क्योंकि दोस्तों एक ईमानदार आदमी हो सकता है कुछ समय के लिए उसकी परिस्थितियां, उसका समय खराब हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसका वक्त आएगा। लेकिन अगर आप बेईमानी करेंगे, हो सकता है कुछ समय के लिए आपका वक्त अच्छा आ सकता है, लेकिन दोस्तों पूरी जिंदगी आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ये जो चार चीजें मैंने बताया, इसको फॉलो करके ये हमारे और आपके जो बिजनेस हम और आप खड़ा करने वाले हैं, उस बिजनेस के ये पिलर है, इस पिलर को मजबूत करना है माय डियर फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं, जो मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ, ये बिजनेस पूरा का पूरा डुप्लीकेशन का है। आप देख सकते हैं आप यू की जगह पे है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। आपके बिजनेस के मालिक आप खुद है, और आपके नीचे आपके डाउनलाइंस है, आपके ऊपर आपके अपलाइन है, LOS है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स है। अभी यहाँ पे क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, इसी वजह से ये बिजनेस दोस्तों दुनिया का सबसे आसान काम है, और इसी वजह से ये बिजनेस दुनिया का सबसे कठिन काम भी है। क्यों? आप जो करेंगे आपकी टीम भी वही करेगी। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में आके अच्छा काम करते हैं, अगर सिस्टम में आप एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, तो आपकी टीम के अंदर भी लोग उसी चीज को देख के डुप्लीकेट करेंगे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके अगर अच्छा काम नहीं करते, अगर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो आपकी टीम भी वही डुप्लीकेट करेगी। लोगों का एक ही कहना है, सर मेरी टीम से लोग टारगेट नहीं जीतते, पहले आप जीतो, आपकी टीम से लोग टारगेट जीतेंगे। लोग बोलते हैं, सर मेरी टीम से लोग जूम मीटिंग अटेंड नहीं करते, पहले आप लगातार अटेंड करो, आपकी टीम से लोग लगातार अटेंड करेंगे। यानी कि आप जैसा करेंगे आपका नेटवर्क वैसा करेगा, उसके साथ साथ आपके LOS, आपके साथ में बहुत सारे अपलाइन है माय डियर फ्रेंड, आपके साथ में 12 अपलाइन है। इन अपलाइन में से हो सकता है कुछ अपलाइन एक्टिव है और कुछ अपलाइन एक्टिव नहीं है। आपको एक एक्टिव अपलाइन को चुनना है, और एक्टिव अपलाइन को चुनने के बाद में, एक्टिव अपलाइन कौन है? एक्टिव अपलाइन वो है दोस्तों जो हमेशा हर पल हर क्षण सिस्टम के साथ में है। एक्टिव अपलाइन हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा सिस्टम में दिखता है। ऐसे एक एक्टिव अपलाइन को चुनना है और उनके मार्गदर्शन में, उनके डायरेक्शन में काम करना है, ताकि आप तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मंकी सी मंकी डू, अगर आपका कोई एक मेंटोर होगा और अगर आपका कोई एक गुरु होगा, अगर आपने किसी को गुरु बनाया है, तो आपकी टीम के लोग भी वही डुप्लीकेट करेंगे, वो भी गुरु बनाएंगे, और तेजी से आपका काम आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों मंकी सी मंकी डू, मंकी बंदर जैसा देखता है, बंदर वैसा करता है।
तो आप जैसा करेंगे आपकी टीम भी वैसा करेगी। तो लीड बाय एग्जांपल, कुछ ऐसा कीजिए कि आपके नेटवर्क आपका एग्जांपल दे और आप जैसा कर रहे हैं वैसा वो करे और आपका नेटवर्क आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे द हनी बी वे, मधुमक्खी के जैसे इस बिजनेस में काम करना है दोस्तों। सिंगल माइंड अप्रोच, सिंगल माइंड होके काम करना है। सिंगल माइंड यानी कि अगर आपने देखा होगा एक मधुमक्खी की खासियत, वो जिस छत्ते से निकलती है दूर जाके मधु इकट्ठा करके वो उसी छत्ते में वापस आती है, किसी दूसरे छत्ते पे नहीं जाती। तो दोस्तों हम और आप भी शेप शॉप में काम करते हैं, हम शेप शॉप में काम कर रहे हैं, अभी हमें कोई नहीं जानता, लेकिन आस्ते आस्ते जब हमारा लेवल होता है बहुत सारे लोग हमें ऑफर देते हैं, बोलते हैं हमारे साथ में आ जाओ हमारे साथ में आ जाओ, लेकिन दोस्तों उस समय हम अपना छत्ता बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय सिंगल माइंड अप्रोच पे काम करने की जरूरत है। जब आप याद कीजिए, जब आपके पास कुछ नहीं था, आपको कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज जब आपने बोलना सीखा, आप एक नेटवर्कर बने, आप एक अच्छे स्पीकर बने, तब हर कोई आपको ऑफर देता है। एक ही चीज दोस्तों अपने दिमाग में रखना है, एक ही जगह पे रह के काम करना है, ताकि दोस्तों आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। कहावत भी है दोस्तों, दिल दो एक को वो भी नेक को, ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं जो बांटे हर एक को। तो हमेशा सिंगल माइंड होके काम करना है। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, जिस काम को करने से आपको रिजल्ट मिलता है उस काम को छोड़ना नहीं, लगातार लगातार लगातार, जब तक आप इस बिजनेस में पीक तक नहीं पहुंच जाते दोस्तों, तब तक उस काम को करते रहना है। जब आप करेंगे आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी, जब आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी तो दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों क्या करना है, व्हाट टू डू, ओनली थ्री थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। केवल तीन ही चीजें ऐसी है दोस्तों जो आपको 100% सफलता दे सकती है। उनमें से सबसे पहला क्या है, 90% एक्साइटमेंट। आपको सबसे पहले, इसके अलावा 8% टेकने और 2% फाइंड होने। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइटमेंट दोस्तों। ये बिजनेस पूरा का पूरा एक्साइटमेंट का है। अगर आपके पास में जोश है, हो सकता है आपके पास में पैसे ना हो सकता है आपके पास में क्वालिटी ना हो सकता है आपको अच्छी तरीके से बोलना नहीं आता, हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आप दिखने में अच्छे नहीं हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों अगर आपके अंदर जोश है, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है, तो दोस्तों आपका बिजनेस आपके एक्साइटमेंट से चलने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जिनके पास में बहुत क्वालिटी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका काम नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक्साइटमेंट नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से आज उनका बिजनेस चल रहा है। तो हमेशा एक्साइटेड रहना है। क्या आप सारे लोग रह सकते हैं? विषम से विषम परिस्थिति में भी माय डियर फ्रेंड्स एक्साइटेड रहना है, और आपका एक्साइटमेंट लेवल होना चाहिए 90%। आगे हम बात करेंगे 8% टेक्निक्स की और 2% फाइन ट्यूनिंग। ये बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों, 2% फाइन ट्यूनिंग, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस लोगों का है। इसीलिए दोस्तों इस बिजनेस में दोस्तों हमने लोगों के साथ में फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है, चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जितने भी लोगों के साथ में आपका संपर्क है, सारे के सारे लोगों के साथ में आपका फाइन ट्यूनिंग यानी कि एक अच्छा तालमेल आपका होना चाहिए। और अच्छा तालमेल आप तब रख पाएंगे जब सबसे पहला आप अपने ईगो को किल करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, फाइन ट्यूनिंग तब नहीं हो पाती जब हमारे पास में ईगो होता है। हमेशा दोस्तों फाइन ट्यूनिंग बनाए रखे, झुकना सीखिए, झुकना। कभी कभी क्या होता है, हमारी गलती नहीं होती फिर भी हमें झुकना पड़ता है। लोग अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों माफी मांगू। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप झुक जाएंगे ना तो वो रिश्ता बच जाएगा, और अगर आप झुक जाएंगे तो सामने वाले पे भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप रास्ते पे चल रहे, अगर गलती से किसी का जूता आपके पैर के ऊपर पड़ जाए, और उस समय अगर आप उसे सॉरी बोल देते हैं ना, तो सामने वाला को लगता है यार क्या आदमी है, गलती मैंने किया इसने सॉरी बोला, तो सामने वाला भी आपके ऊपर झुक जाता है और आपको अच्छा मानना शुरू करता है। लेकिन अगर आप एरोगेंस दिखाएंगे, तूने मेरा जूता कैसे खींच दिया, तो जानता है मैं कौन हूँ, ये वो, अगर आप गुस्सा करेंगे तो सामने वाला भी आपके ऊपर चढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों झुकना सीखना है। एक कहावत है दोस्तों, जो झुकता है ना वो पूरी दुनिया को झुका सकता है।
तो दोस्तों फाइन ट्यूनिंग बनानी है किसी भी हालत पे अपने अपलाइन के साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाइए माय डियर फ्रेंड्स, अपनी टीम के साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाइए, चाहे कुछ भी हो दोस्तों एक अच्छा रिलेशन बना के आप इस बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। और 8% टेक्निक की हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों ये वो 8 मंत्र है जिस 8 मंत्रों को फॉलो करके हमारा बहुत बड़ा काम करेंगे। इससे पहले 3 कार्डिनल रूल, ये नियम है दोस्तों, और मैं जरूर कहना चाहता हूं मुझे गर्व है हम ऐसी कंपनी के साथ में काम करते हैं जो नियम नियम की बिल्कुल क्या है सख्त है। चाहे वो एक फ्रेशर हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो क्राउन एम्बेसडर हो, नियम तो नियम है और ये नियम हर किसी के लिए बनाया गया है। और ये नियम जो फॉलो करता है, एथिक्स पे जो लोग चलते हैं उन लोगों के लिए बिजनेस है। जो लोग एथिक्स तोड़ते हैं चाहे वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाए उनका बिजनेस जीरो हो जाता है। तो ये नियम क्या है, सबसे पहला देखिए, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट एक्सिंग अ एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। कोई भी नया काम करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स बिना एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से बिना पूछे कोई भी नया काम आपने नहीं करना है। ये क्यों है माय डियर फ्रेंड्स, ये इसीलिए है माय डियर फ्रेंड्स क्योंकि दोस्तों आप जिस रास्ते पे चल रहे उस रास्ते पे ऑलरेडी आपका अपलाइन चल चुका है। और अगर आप कोई भी नया काम करने से पहले अगर उनसे आप पूछते हैं तो आपको एक सही सलाह एक सही एडवाइस मिलता है। बहुत सारे लोग दिमाग लगाते और सोचते हैं अरे हम क्यों पूछे, हम तो अपना करेंगे, लेकिन माय डियर अपना करने के चक्कर में इंसान गड्ढे में चला जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता, वो पूछता भी नहीं है और उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस चीज से बचना है तो हमेशा दोस्तों एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन से नए काम करने से पहले हमेशा पूछना है। दूसरा, नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन। ऐसे बहुत सारे लीडर्स है दोस्तों जिनको ये भी पता नहीं कहां क्या बोलना है और कहां क्या नहीं बोलना है। अपनी टीम के सामने भी वो नेगेटिव बातें करते हुए घूमते, उनको पता नहीं है कि वो अपने पैरों पे नहीं अपने सिर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी कोशिश कीजिए, कभी भी दोस्तों नेगेटिव बातें मत बोलिए। हो सके तो हमारा ये शरीर है, कसम खाई अगर आप सफल होना चाहते हैं इसके अंदर नेगेटिव चीजें तो जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उनके साथ में कोई भी काम करना पसंद नहीं करता है। तो हमेशा अपने डाउनलाइन को अपने क्लॉस टाइम को एक पॉजिटिविटी दीजिए, एक एनर्जी उनको दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी। अगर आपके पास में कोई ऐसी नेगेटिव बातें हैं जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है तो आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में डिस्कस कीजिए। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। किसी के परिवार के सदस्य के साथ, किसी के ईगो के साथ और किसी के पैसे के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों 8 स्टेप, ये 8 मंत्र है दोस्तों, जिस 8 मंत्र को फॉलो करके हम और आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करेंगे। सबसे पहला है ड्रीम, दूसरा लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर, टेबल फंक्शन। दोस्तों अक्सर लोग मुझे पूछते हैं सर क्या करना पड़ेगा बिजनेस बड़ा करने का, सर हिंट दो सर क्या करने से बिजनेस होता है, क्या करने से चेक आएगा, क्या करने से मैं आगे के लेवल अचीव करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 8 बेसिक चीजों को फॉलो करना है। लोग बेसिक को भूल जाते हैं और पूछते रहते सर बताओ ना सर क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैं सीधा इस पैनल पे आज जितने भी लोग हैं मैं सीधा आपको खुला बोलता हूं, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है केवल ये 8 बेसिक चीजों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहला है दोस्तों ड्रीम। सबसे पहले दोस्तों इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए आपका सपना होना जरूरी है। अगर आपके पास में सपना है तो आप इस बिजनेस में अलाव है दोस्तों, आप इस बिजनेस में अलाव है सफल होने के लिए। अगर आपके पास सपना नहीं है ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, 2-4 दिन डांस करेंगे उसके बाद में घर घर जाएंगे, लेकिन सपना है तो दोस्तों आप इस बिजनेस मेहनत करेंगे, ताकत लगाएंगे, पूरा का पूरा अपने आप को झोंक देंगे इस बिजनेस में, तब जाके काम होगा। और वो तब होगा जब आपके पास में सपना होगा। और एक कहावत भी है दोस्तों, जिसका खुद का सपना नहीं होता वो पूरी जिंदगी किसी और के सपने के लिए काम करता है। और मुझे पक्का विश्वास है इस पैनल में जितने भी लोग हैं आप सारे के सारे लोगों के पास में आपका सपना है। तो दोस्तों उस सपने को आपने क्या करना है, गोल पे तब्दील करना है, टारगेट सेट करना है। टारगेट देखिए ऐसा सपना हर किसी का होता है, लेकिन दोस्तों सपने को जब तक आप टारगेट में सेट नहीं करेंगे, सपना 3 प्रकार से होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म।
इस बिजनेस में आप आए हैं, सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, आप 6 महीने के अंदर शॉर्ट टर्म में आपका छोटा छोटा ड्रीम आपके पास में होना चाहिए, मोबाइल फोन, बाइक, लैपटॉप और ऐसी चीजें आपने अपने गोल पे डालनी है जो आपके दिल को चाहता है, एक अच्छी सी घड़ी, एक अच्छा सा ड्रेस कोड, एक ऐसी चीजें पे दोस्तों आपका ड्रीम होना चाहिए जिससे आपका बिजनेस बढ़े। अक्सर मैंने लोग देखा है इस बिजनेस में आते हैं, सिल्वर बन जाते हैं, 25,000-30,000 रुपए कमा लेते हैं और वो घर बनाना शुरू करते हैं, ईटा खरीदना शुरू करते हैं, सीमेंट खरीदना शुरू करते हैं। दोस्तों बिजनेसमैन दो प्रकार के होते हैं, एक वो होता है जो बिजनेस से कमाए हुए पैसे को दोस्तों बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है और बिजनेस को बड़ा करता है और बड़ा करता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस से कमाए हुए पैसे को कुछ अलग जगह खर्च करते हैं और उनका बिजनेस कभी बड़ा नहीं होता और वो हमेशा रोते रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपके ऐसे ड्रीम होने चाहिए जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा, मिडिल टर्म में आप सपने को और बड़ा कर सकते हैं, एक छोटी मोटी आप गाड़ी खरीद सकते हैं, इसके अलावा देखिए लॉन्ग टर्म में आप कुछ भी डाल सकते हैं। दोस्तों ये 3 तरीके के ड्रीम आपने बनाने पड़ेंगे, तो मुझे पक्का विश्वास है इस पैनल में जितने भी लोग हैं आप सारे लोगों ने अपना सपना बना लिया होगा, और नहीं बनाया है तो आज ही आप अपना ड्रीम बनाएंगे और अपने अपलाइन के साथ में शेयर करेंगे और उसमें डेट डिसाइड करेंगे। सपना तो आपका है, वो सपने को आप कब तक अचीव करने वाले हैं अपने अपलाइन के साथ में डिस्कस करेंगे और उसमें डेट डालेंगे, तब मजा आएगा उसके लिए काम करना। और अपना सपना अपने घर के हर कोने पे आप चिपकाइए, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे अपना सपना डालिए दोस्तों, वो सपना आपको दिन रात इंस्पायर करेगा, दिन रात आपको दोस्तों काम करने के लिए अंदर से आपके अंदर ऊर्जा भरेगा। सपना बनाइए, और सपना बनाने के बाद में दोस्तों आपने बनाना है लिस्ट। लिस्ट क्या है दोस्तों? सूची। ये कोई नया काम नहीं है, लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से लिस्ट बनाते हुए आ रहे दोस्तों, तो हमने और आपने भी लिस्ट बनाना है। और दोस्तों लिस्ट कहाँ बनाना है? शुभारंभ। आप सभी लोगों के पास में शुभारंभ होगा, नहीं है तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आपने अपनी डायरी के अंदर मिनिमम दोस्तों आप जितने लोगों को जानते हो, मुझे ताज्जुब होता है जब हमारे घर में शादी होता है तो 500 की लिस्ट बन जाती है, जब पैसा खर्च करने की बारी आती है तो 500 की लिस्ट बन जाती है, इस बिजनेस में जब पैसा कमाने की बारी आती है, जब आगे बढ़ने की बारी आती है, लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मेटेरियल है। जब हम लोगों से पूछते हैं आपके पास में कितने की लिस्ट है, तो लोग बोलते हैं सर 50 की लिस्ट है। जहां दोस्तों शादी की बारी आती है तब अगर हम 500 की लिस्ट बना सकते हैं, और यहां पे जिंदगी बनाने की बात है, सपने पूरे करने की बात है, तो क्या हम 500 की लिस्ट नहीं बना सकते? ऑब्वियसली बना सकते हैं। शुरुआत कीजिए माय डियर फ्रेंड, शुरुआत 50 की लिस्ट से होगी, और दोस्तों आहिस्ते आहिस्ते लिस्ट को आप बढ़ाइए, और लिस्ट हमेशा ऐड करते रहिए, लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहिए, लिस्ट कभी खत्म नहीं होता। अगर कोई बोलता है ना लिस्ट नहीं है, अपना मोबाइल उठाइए माय डियर फ्रेंड, आपके मोबाइल में भी मिनिमम 500 लोगों का नाम होगा, आप उसको आप लिस्ट में आप डाल सकते हैं। लिस्ट बहुत है, बस एक ही चीज है, दिमाग पे मत बनाना लिस्ट, और फेंट पेंसिल लाइन ऑन अ पेपर इस सार पर देन एनी मेमोरी, दिमाग पे नहीं डायरी पे आपने लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखना है, सोशल, आदमी सामाजिक होना चाहिए, एजुकेशनल, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वो इस बिजनेस को आसानी से कर पाए, फाइनेंशियल, ऐसे लोग होने चाहिए जो 8-10 हज़ार रुपए खर्च कर पाए। चौथा मेंटल, दिमागी रूप से पागल नहीं होना चाहिए, काम के लिए पागल होना चाहिए हमेशा, ऑलवेज अपसाइड। एक चीज कोशिश करना है दोस्तों, इस बिजनेस में ऐसे लोगों के पास आपने ज्यादा फोकस करना है जो आपसे थोड़ा सा ऊपर, जो आपसे ज्यादा कमाते, जो आपसे थोड़ी अच्छी इनकम पे, आपसे एक अच्छे लेवल पे है, उन्होंने उन पे आपने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ताकि दोस्तों अगर आप अपने से ऊपर वाले लेवल पे ज्यादा फोकस करेंगे तो दोस्तों आपका ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, वो और अच्छे लोगों को लेके आएंगे। दोस्तों प्लान सबको दिखाना है लेकिन फोकस होना चाहिए ऊपर की तरफ। इसके बाद में दोस्तों द 3 फीट रूल, इसके बारे में मैं अभी आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों अभी 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 COVID-19 वो चल रहा है, ये COVID-19 चल रहा है, तो दोस्तों इसकी वजह से ये 3 फीट रूल हम अभी नहीं अपना सकते। फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके 3 फीट के दायरे में कोई भी आता है तो वो आपका अपना है, तो वो आपका अपना है, तो आपने क्या करना है, हमेशा हमेशा दोस्तों कोई भी आता है उनसे बातचीत करने की कोशिश करनी है, और ये जो जानकारी आपके पास में है
हमेशा दोस्तों के साथ में शेयर करने की कोशिश करनी। आगे हम बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्रैप मेथड। हमेशा दोस्तों ये बिजनेस आपने सिर्फ फॉर कपल में ये बिजनेस शेयर करने की कोशिश करनी है, कपल में लिस्ट बनाना है। आर फॉर रिस्पेक्टेबल, जो थोड़े इज्जतदार है उनके साथ में ज्यादा फोकस करना है। ए फॉर एम्बिशियस, जो महत्वाकांक्षी है, जो तीन चार काम करता है, वो स्कूल भी पढ़ाता है, ट्यूशन भी पढ़ाता है, चाय भी बेचता है, अखबार भी पढ़ता है, उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वो एम्बिशियस है, उसको सबसे पहले इस बिजनेस में लेके आना है। बी फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के पास में अभी नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास में कुछ है, सब कुछ है। तो जब आप इस बिजनेस से कुछ अचीव कर लेंगे फिर प्रोफेशनल के पास में जाना है। इसके बाद में आता है दोस्तों इन्विटेशन। हमारा जब भी प्लान होता है दोस्तों तो इन्विटेशन हमने करना है। मैं आपको शॉर्टकट में जरूर बताना चाहता हूँ, इन्विटेशन करते वक्त हमेशा क्लियर द नाइट करना है। क्लियर द नाइट क्या है दोस्तों, उनसे आपने पूछना है कि आप संडे को, जो हमारा प्लान चलता है अभी जूम में, संडे को आप 10:45 में क्या कर रहे हैं, आप फ्री है? अगर वो बोलते हैं हाँ मैं फ्री हूँ, तब उनको आगे की जानकारी देनी। यूज इन्विटेशन टूल्स। अभी हमारे लिए इन्विटेशन टूल्स क्या है, हमारे और आपके लिए जो हमारे पास में जूम का लिंक है वो हमारे लिए इन्विटेशन टूल्स है। नीचे लिखा गया है द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है आप कैसे बोल रहे हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपके इन्विटेशन पे कितना दम है, इस बात से फर्क पड़ता है कि सामने वाला इस प्लान को अटेंड करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों इन्विटेशन के लिए मैं आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इन्वाइट करते समय आपके पास में मिनिमम 20 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए जिनको आप संडे के लिए इन्वाइट करने वाले हैं। उनको आप क्लियर द नाइट कीजिए और क्लियर द नाइट करने के बाद में उनको आप ये बताइए कि मेरे पास में एक ऐसी बेहतरीन जानकारी है जिसके माध्यम से आज हमें पता चलने वाला है कि ये COVID-19 के दौरान हम किस तरीके से घर में बैठ के हाउ टू वर्क एंड अर्न डिजिटली, इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन मिलने जा रहा है और इस इंफॉर्मेशन पे पूरे हिंदुस्तान से लोग होंगे और आप बहुत ही लकी है, मेरे पास में एक सीट अवेलेबल है, उस पैनल पे आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने कंफर्मेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि वो मीटिंग ऑनलाइन हो रहा है। सबसे पहले आपने जूम ऐप डाउनलोड करना, पहले उनसे जूम ऐप डाउनलोड करवानी है और डाउनलोड कराने के बाद में उसके बाद में उनको लिंक भेजना है और उनको मीटिंग की सारी चीजें बतानी है कि वो क्या करे उस मीटिंग को, वो उस मीटिंग को हमेशा क्या करे, उस मीटिंग में पूरा मीटिंग वो अटेंड करे, पूरा मीटिंग को वो अटेंड करे, ताकि उस मीटिंग को पूरा अटेंड करने के बाद में ही उन्हें सारी जानकारी मिल पाएगी। ड्रेस कोड के बारे में उन्हें पहले से बता दे, ये सारी चीजें उन्हें बताए और इसके बाद में डोंट क्या क्या नहीं करना, उन्हें कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क काम क्या है वो नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट पैसा कितना लगेगा ये नहीं बताना है, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में डिस्कस नहीं करना है और इन्विटेशन करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी। तो दोस्तों आपने इन्विटेशन करते वक्त ये सारी गलतियां नहीं करनी है, उन्हें केवल सस्पेंस में रखना है और केवल उन्हें प्लान पे आपने इनवाइट करना है। जब आप उन्हें प्लान पे इनवाइट करते हैं, हो सके तो उनसे उनका डिवाइस नेम भी पूछ लेना, ताकि दोस्तों जब आप जूम में जूम प्लान पे होंगे, ताकि आप उन्हें चेक कर पाए कि आपका गेस्ट उस प्लान को अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपने इनवाइट करना है। मैंने क्यों बोला कि 20 लोगों को इनवाइट करना है, इसलिए बोला क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रेशियो काम करता है। आप चाहे जितना भी अच्छा इनवाइट कर लीजिए, फिर भी दोस्तों सारे के सारे लोग नहीं आएंगे। तो अगर आप 20 को इनवाइट करेंगे तो मिनिमम 5 लोग तो आ ही जाएंगे। और दोस्तों आप सारे लोगों को, मुझे पक्का विश्वास है, आप सारे लोगों को पता है कि इस पैनल के अंदर जिसका सबसे ज्यादा गेस्ट होगा उनको गिफ्ट मिलेगा। लेकिन आपने क्या करना है, अपने गेस्ट का स्क्रीनशॉट करके अपने अपलाइन को भेजना है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, इन्विटेशन हो गया, आगे SW5 ग्रुप। लोग बोलते हैं सर इतना अच्छा बिजनेस है, हर कोई क्यों नहीं आता? नहीं आता क्योंकि इसका नियम है। वो नियम क्या बोलता है, SW5 ग्रुप। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। यानी कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई आपका इंतजार करके बैठा है, काम करना शुरू कर दो। बहुत अच्छी बात नीचे लिखिए, करेज टू इंडियर फेलियर। जब आप इस बिजनेस में काम करेंगे आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे सिर्फ सब ये तो हमने करके भी छोड़ दिया, ये तो ये है वो तो वो है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप उन लोगों को फेस कर पाए। और ऐसे लोगों को दोस्तों हो सके तो फेस नहीं करना है, और फेस करते तो इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत आपके अंदर
होना चाहिए और वो तब हो पाएगा जब आप लगातार ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों शो द प्लान, जो इस बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों। और शो द प्लान जो अभी हम और आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो शो द प्लान में कुछ चीजों का ख्याल करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, इस बिजनेस में शो द प्लान बहुत ही जरूरी है। आज दोस्तों ये बिजनेस पूरा का पूरा डिजिटल हो चुका है, लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों समय लगातार बीतता चला जा रहा है और लोग सिर्फ देख रहे हैं। देखने से कुछ भी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, समय के साथ में हमें भी बदलना पड़ेगा। पहले हम लोगों को फिजिकली प्लान दिखाते थे, अभी डिजिटली प्लान दिखाना पड़ेगा, अभी ऑनलाइन। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते, मुझे पक्का विश्वास है इस पैनल पे इतने सारे लोग अभी मौजूद है, आप सारे के सारे लोग सफल होना चाहते, एक फॉर्मूला जरूर बताऊंगा दोस्तों। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो रोज आपने प्लान दिखाने पड़ेंगे, रोज आपने प्लान दिखाना पड़ेगा। रोज अगर किसी ने कसम खा लिया कि रोज एक अपना कोटा बना लीजिए, मिनिमम 3 प्लान तो दिखाने। अगर आपने ये कसम खा लिया रोज मिनिमम 3 प्लान दिखाऊंगा, तो आपको किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका चेक हमेशा बनेगा और लगातार आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कसम खाना है, चाहे कुछ भी हो, 3 प्लान तो रोज मैं करूंगा ही करूंगा, किसी भी हाल में करूंगा। अगर ये आपने कसम खाया दोस्तों, तो आपकी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। शो द प्लान इस बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट है, प्लान दिखाना है एनी हाउ। तो दोस्तों प्लान दिखाते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखना, ड्रेस कोड, क्योंकि दोस्तों ये ड्रेस कोड मैटर करता है, हर प्रोफेशन में ड्रेस कोड होता है। तो दोस्तों फॉर्मल ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, एक बढ़िया सी टाई पहनिए, तो दोस्तों एक बढ़िया सा प्रेस किया हुआ शर्ट कोट पहनिए दोस्तों, फॉर्मल ड्रेस में हमेशा रहिए। सैंडो वेस्ट, या तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ सैंडो वेस्ट भी नहीं पहनते और जूम पैनल पे आ जाते, तो दोस्तों इस तरीके से बिजनेस नहीं होने वाला। ड्रेस कोड का आपने मेंटेन करना है, बी ऑन टाइम, हमेशा टाइम पे रहना, क्योंकि जो इंसान टाइम की कदर करता है, टाइम उसकी कदर करता है हमेशा। आपको पता है जूम मीटिंग अगर 6:45 में स्टार्ट होने वाला, 6:45 से पहले आप रेडी रहिए, आप जूम पे इन होके रहिए, वहां पे लिखा रहेगा वेटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट द मीटिंग, ऐसा आपको हमेशा दिखना चाहिए। इसका मतलब आप हमेशा क्या है, टाइम को आप फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग आदि कंप्लीट होने के बाद में अटेंड करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अगर अपने फैमिली से प्यार करते हैं, तो दोस्तों समय की कदर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि दोस्तों आज हम समय को बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा समय को बर्बाद करते करते समय हमें बर्बाद कर देगा, हमारे पास में समय नहीं होगा उस समय। तो समय का पालन कीजिए हमेशा दोस्तों, समय के साथ में मीटिंग को अटेंड कीजिए, डिसिप्लिन में रहना है हमेशा। जब आप मीटिंग में रहते हैं मूवमेंट नहीं करना, बहुत सारे लोग इधर चल रहे उधर चल रहे, उधर बात कर रहे उधर बात कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे, हमेशा डिसिप्लिन। आप मीटिंग में है, पूरा का पूरा फोकस आपका मीटिंग में होना चाहिए। डिसिप्लिन में ये भी आता है कि आपका कैमरा ऑन हो, अगर आपका कैमरा ऑन है तो दोस्तों आपने पूरा सतर्क होके रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन होके रहना पड़ेगा। कैमरा ऑफ है तो आप लेट रहे, आप सो रहे, क्या कर रहे आप पता नहीं, लेकिन दोस्तों ये डिसिप्लिन बहुत ही मायने रखता है। हर घर में हर स्कूल में, चाहे आप किसी भी जगह का नाम ले लो, हर जगह डिसिप्लिन मायने रखता है। और मुझे पक्का विश्वास है इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, सारे के सारे वेल डिसिप्लिन लोग हैं। दोस्तों आखिर में आता है टेस्टिमनी, टेस्टिमनी यानी गवाही, गवाही यानी दोस्तों इस बिजनेस में आप आए हैं, आपने जो भी इस बिजनेस से अर्न किया है, बहुत सारे लोगों ने, अगर आपने पैसा कम कमाया है तो इस बिजनेस में आपने बोलना सीखा है, इस बिजनेस से आप में क्या बदलाव आया है, आप अपनी अपलाइन की टेस्टिमनी दे सकते हैं, आप कंपनी की टेस्टिमनी दे सकते हैं, आप सिस्टम की टेस्टिमनी दे सकते हैं। हमेशा दोस्तों टेस्टिमनी देने के लिए तैयार रहना है। आगे हम देखते हैं दोस्तों फॉलोअप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। फॉलोअप है दोस्तों, जब आप प्लान दिखा देते हैं, प्लान दिखाने के बाद में लोगों के सवालों का जवाब देना, उसको हम फॉलोअप कहते हैं। और ये फॉलोअप जैसे आप प्लान दिखाते विद इन अ डे, एक दिन के अंदर उसका फॉलोअप हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप प्लान, आपने इंसान को प्लान दिखाया, उसने बिजनेस करने का मन बनाया, लेकिन अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई उसके कान फूंक देगा। तो आप लोगों ने फॉलोअप करना है, और दोस्तों फॉलोअप में सवाल जवाब होते हैं, तो दोस्तों किसी भी सवाल से डरना नहीं है, सारे सवाल के जवाब हमारे पास में है, आपके अपलाइन के पास में अवेलेबल है। अगर आपको नहीं आता है तो सीखना है, फॉलोअप करना सीखना है, हर सवाल का जवाब देना आपने सीखना है। बहुत सारे लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरा अपलाइन जवाब देगा, सही है, कुछ समय के लिए आपका अपलाइन आपके लिए फॉलोअप करेंगे, लेकिन दोस्तों जितना जल्दी हो सके अगर आप फॉलोअप करना अगर सीख जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी दोस्तों, क्योंकि आगे चल के
आपको देख के आपकी टीम भी सीखेगी। तो आपने फॉलोअप करना सीखना है, लोगों के हर सवाल का जवाब देना आपने सीखना है। तो मुझे पक्का विश्वास है इस पैनल पे जितने भी लोग हैं आप सारे लोग फॉलोअप करना सीखेंगे और सही तरीके से जिसको भी आपने प्लान दिखाया है हर किसी का आप फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि फॉलोअप के बारे में हमने अलग से एक पूरा सेशन किया हुआ है। अगर आपने उस सेशन को अटेंड नहीं किया है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, वो यूट्यूब में अवेलेबल है। उस वीडियो को देख के आप और फॉलोअप को डीपली आप सीख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 100% यूजर। इस बिजनेस में दोस्तों हमने 100% यूजर बनना है। सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम टूल्स, इस बिजनेस के जितने भी टूल्स है वो सारे के सारे टूल्स हमारे पास में होने चाहिए। जैसे कि प्रगति सूत्र किताब है हमारे पास में, इसके अलावा शुभ आरंभ है हमारे पास में, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें है दोस्तों, किताबें है, ये सारी चीजें हमारे पास में होनी चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमको और आपको करना आना चाहिए, बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। तीसरा, ऑर्डर रिटेल प्रोडक्ट, इसमें मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा मेरे फ्रेंड, क्योंकि दोस्तों आज हमारी कंपनी के पास में इतने सारे प्रोडक्ट्स है, ये सारे प्रोडक्ट हमने और आपने यूज करना पड़ेगा तब जाके हम 100% यूजर बनेंगे। हमारे पास में सोप अवेलेबल हो, आज भी हम अगर सेफ शॉप के साबुन से नहीं नहा रहे, आज भी अगर हम सेफ शॉप के टूथपेस्ट से पेस्ट नहीं कर रहे, आज भी हम सेफ शॉप के फेस वॉश से फेस वॉश नहीं कर रहे, ये सारे प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम 100% यूजर नहीं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 100% यूजर नहीं है तो दोस्तों इस बिजनेस में कभी भी आपका बड़ा काम नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी इस्तेमाल नहीं करेगी। तो 100% यूजर बनना है, कंपनी के हर प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और वो नॉलेज कब होगा, जब आप खुद फील करेंगे, जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तब आप लोगों को बता पाएंगे। तो 100% यूजर बनना है, कंपनी के हर प्रोडक्ट को आपने ऑर्डर करना और इसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर आपने इस्तेमाल किया है तो लोगों को आप दिल खोल के बता पाएंगे, अगर नहीं किया है तो नहीं बता पाएंगे। इसके अलावा ईमेल, कंपनी में दोस्तों कोई भी काम आपका पेंडिंग होता है तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, बात नहीं हो पाती कंपनी के साथ में, तो आप अगर आप मेल करेंगे तो दोस्तों आपको जल्दी रिप्लाई मिलता है मेल में। तो बहुत सारे मेल आईडी है हमारे पास में, आपने जरूर अपने अपलाइन से लेना है और मेल करना भी आपने सीखना है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर, टीम के साथ में दोस्तों एक अच्छी तरीके से टीम के साथ में खेलना सीखना है। लोग काम करते हैं, 50 की टीम बना लेते हैं और उनकी टीम फिर 51 की नहीं बन पाती, क्यों, क्योंकि वो दोस्तों टीम प्लेयर नहीं होते। टीम प्लेयर में क्या क्या आता है, नो क्रॉस लाइन, कोई भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी। क्रॉस लाइनिंग का मतलब जिस इंसान का गेस्ट है वो उसी इंसान के साथ में ज्वाइन होगा, किसी भी इंसान को बेला फुसला के अपने साथ में लेके आना और उसे बोलना मेरे साथ में ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको डायमंड बना दूंगा। यहाँ पे कोई किसी को डायमंड नहीं बना सकता। अगर इंसान काम करता है तो वो डायमंड बनेगा, काम नहीं करेगा तो वो किसी के साथ में भी ज्वाइन हो जाए, चाहे कितना भी अच्छा अपलाइन हो। लोग बोलते हैं अपलाइन ये नहीं वो नहीं, चाहे कैसा भी अपलाइन क्यों ना हो, किसी के साथ भी ज्वाइन हो जाए उसका काम होने वाला नहीं है। तो दोस्तों क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, जिसका गेस्ट है उसी के साथ में ज्वाइन कराना है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, आपने कोशिश करना है, अभी तो दोस्तों ऑनलाइन हो चुका है, मुझे पक्का विश्वास है लोग काउंसलिंग नहीं करा, दोस्तों ऑनलाइन भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। आप जूम पे आइए, आप व्हाट्सएप पे आइए, आप अपने मेंटर से अपना टाइम लीजिए और टाइम लेने के बाद में आप अपनी काउंसलिंग कराइए। आपके साथ में क्या चैलेंजेस आ रहे, क्या प्रॉब्लम आपके साथ में, सारी चीजें शेयर कीजिए। और शेयर करने के बाद काउंसलिंग आपने कराना है, लेकिन काउंसलिंग दोस्तों तब आपको फायदा करेगी जब काउंसलिंग में आपका अपलाइन आपको जो बातें बताता है उस चीज को आप फॉलो करेंगे। हमेशा दोस्तों काउंसलिंग कराना है और उस बातों को मानना है। आखिर में दोस्तों एडिफिकेशन, ये बिजनेस पूरा का पूरा एडिफिकेशन है। एडिफिकेशन यानी सम्मान पूर्वक परिचय, हर चीज का एडिफाई करना है। माइडर में आपने देखा होगा जितनी भी एडवर्टाइजिंग हो रही है वो पूरा का पूरा ऐड हो रहा है। आपने देखा होगा कोई लक्स का, ऐश्वर्या राय लक्स का ऐड कर रही है, अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का ऐड कर रहा है, कौन किसका ऐड कर रहा है, कौन किसका ऐड कर रहा है, क्या हम और आप ऐड नहीं कर सकते? हमारे पास में इतने बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है, कितने से इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, आप एडवर्टाइज कीजिए। आप नोनी के बारे में लोगों को बताइए, आप सिर्फ सबके साबुन के बारे में बताइए, आप टूथपेस्ट के बारे में बताइए, रिलोड के बारे में, भगवत गीता हमारे पास में स्पीकिंग है उसका ऐड कीजिए, आप उसका एडिफाई कीजिए। संपूर्ण हनुमान है,
बहुत सारी चीजें हमारे पास में, आपके पास में आपके दमदार अपलाइन है जिन्होंने अचीवमेंट किया है उनका आइडेंटिफाई कीजिए, आपके पास में आपकी दमदार टीम है उनका आइडेंटिफाई कीजिए, दमदार कंपनी है, दमदार सिस्टम है, सारे की सारी चीजों का बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई करना। लोगों के पास में इतनी सारी अच्छी चीजें होने के बाद में भी लोग उनके बारे में नहीं बता पाते, लेकिन दोस्तों एडिफिकेशन आपने हमेशा करना है। हम क्या करते हैं, सामने वाले का आइडेंटिफाई करते हैं, अपलाइन को बोलते हैं सर ये बहुत बड़ा आदमी, ये ज्वाइन होगा ना सर तो लाइन लग जाएगी सर, कुछ लाइन नहीं लगने वाला, चाहे वो जितना भी बड़ा आदमी हो 4 लाख रुपए हफ्ता नहीं कमाता, लेकिन आपका अपलाइन उस रास्ते पे चल रहा है, उससे बड़ा आपका अपलाइन है, हमेशा अपलाइन की आइडेंटिफाई करनी है और जो फैक्ट है वही बताना है। ऐसा नहीं कि अपलाइन की 1,000 की टीम और आप बता रहे हैं इनकी 10,000 की टीम है, ज्यादा नहीं बोलना, एडिफिकेशन पे फैक्ट बातें बतानी है। तो मुझे पक्का विश्वास इस पैनल पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग एडिफाई करेंगे और धुआंधार एडिफाई करेंगे, तैयार है? और दोस्तों आगे हम देखते हैं दोस्तों, सबसे ऑडियो बुक्स एंड फंक्शन, दोस्तों लगातार इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हमें खुराक चाहिए, और वो खुराक कब मिलेगा, वो खुराक मिलेगा दोस्तों जब आप लगातार ऑडियो सुनेंगे, ऑडियो टेप, बहुत सारी टेप्स अवेलेबल है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रिकमेंडेड ऑडियो ही सुने जो आपके अपलाइन आपको रिकमेंडेड करते हैं, यूट्यूब में जाकर सर्च करके कुछ सुनने की जरूरत नहीं तो ये आपकी डस्टबिन बन जाएगी, आपको जो रिकमेंड किया जाता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको जो रिकमेंड किया जाता है उसी को सुनना है, उसी वीडियो को देखना है, और आज बहुत सारे वीडियोस वगैरह अवेलेबल है यूट्यूब में, आपके अपलाइन जो जो आपको लगातार रिकमेंड कर रहे हैं उसी को आपने लगातार देखना है, इसके बाद में किताब, आपके अपलाइन जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं उस किताब को आपने पढ़ना है, किताब पढ़ने की आदत डालनी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग लुक पे ध्यान देते हैं, लुक लुक जरूरी है लेकिन दोस्तों लुक से ज्यादा बुक पे ध्यान देना है, और मुझे पक्का विश्वास इस पैनल पे जितने भी लोग हैं आप सारे लोग बुक पे ध्यान देते हैं और बुक पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो आज से पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और लास्ट में आता है फंक्शंस, दोस्तों कभी भी कोई भी फंक्शंस होता है, कोई भी जूम मीटिंग होता है, क्योंकि दोस्तों अभी ऑनलाइन मीटिंग्स हो रहा है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कोई फेयर भाड़ा नहीं लग रहा, आपका पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन जूम मीटिंग वगैरह हो रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा रिचार्ज नहीं है, सर मेरा वो नहीं है, मेरा वो नहीं है, बिजनेस आपका है मैडम, बिजनेस आपका है। आप याद कीजिए पहले आप किसी का फॉलोअप करने जाते थे, आपके पास में टू व्हीलर नहीं, आप ऑटो में चलते थे, उसमें आपका एक्सपेंसेस होता था, पेट्रोल में आपका खर्च होता था, इधर उधर बाहर गया खाया ये सारी चीजें खर्च है, लेकिन आज वो कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। दोस्तों हमेशा आपके फोन में डाटा अवेलेबल होना चाहिए, मिनिमम 2 से 3 GB आपके पास में रोज होना चाहिए, वो भी फालतू का आपने इस्तेमाल नहीं करना। जूम मीटिंग होता है, हर मीटिंग को आप अटेंड कीजिए, हर मीटिंग को, किसी भी मीटिंग को, किसी भी फंक्शन को छोड़ना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हर मीटिंग से लगातार हर सुबह 6:45 AM में हमारी रॉयल क्रांतिकारी टीम की मीटिंग होती है और बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते, बहुत सारे लोगों के पास बहाना है, कुछ लोग सुबह उठ ही नहीं पाते, कुछ लोगों के पास में बहाना है सर इतना सुबह हो गया मीटिंग, सर थोड़ा 9 बजे के बाद कर लीजिए, 10 बजे के बाद कर लीजिए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सफल होना है तो दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना टाइम चेंज नहीं करेगा, आपने मैनेज करना पड़ेगा, और मुझे पक्का विश्वास है आप सारे लोग कर्मशील लोग हैं, आप सारे लोग जुझारू लोग हैं, लगातार आप लोग फंक्शन को अटेंड करेंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आके दोस्तों मैं अपने स्लाइड को, यहाँ पर आके दोस्तों मैं अपने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों ने इतना पेशेंसफुली मुझे यहाँ पे सुना, थैंक यू सो मच। और दोस्तों यहाँ पर आके मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू जीवन सर, सबसे पहले तो आप सभी